कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं राधिका खेड़ा की प्रेस वार्ता के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी मीडिया से चर्चा कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दो तीन चीज उन्होंने कहा है, मैं राम भक्त हूं और पार्टी कार्यालय में अभद्रता हुई है। मैंने ICC से इसका परीक्षण करने को कहा है। मैंने जांच कर रिपोर्ट AICC को भेज दी है। आज हमारे कंट्रोल रूम में हो या अन्य जगह महिलाएं काम कर रही हैं। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता। PCC चीफ बैच ने कहा कि राधिका खेड़ा और सुशील आनंद के बीच छोटी मोटी बहस होती रहती थी। PC के अधिकार को लेकर विवाद हुआ था, ये सच है। रही बात राम मंदिर जाने की, तो ये सही नहीं है, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो तीन चीजें उन्होंने कहा है कि मैं राम भक्त हूँ और पार्टी कार्यालय में जो गलती हुई, मैंने AICC में और रिपोर्ट मैंने AICC को भेज दिया। रही कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा की बात, कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा,